हंगामा क्यों है बरपा इतना हिमाचल प्रदेश में? बीजेपी जैसे भी शिवम त्यागी कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपके अपने लोग आपसे नाराज हैं, या आपको देखना था, कांग्रेस के हाईकमान को देखना था कैसे इस नाराजगी को दूर करें, लेकिन मामला यहां तक बढ़ गया कि अब वो खुलकर कह रहे हैं कि सीएम बदलिए नहीं तो सरकार जाएगी। देखिए, बीजेपी कभी चोर कहता है क्या, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी की है करके कभी कहता है क्या चोर? देखिए, बेईमानी की इंतहा हो गई है। अब सारी दुनिया ने देख लिया कि चंडीगढ़ में किस तरह से इन्होंने मेयर के चुनाव के समय नंगा नाच वहां पर लोकतंत्र का वस्त्र हरण जो हुआ, उसी तरह की बात और उसी तरह का काम ये यहां भी करना चाहते हैं। और कुछ हद तक ये कामयाब हुए, लेकिन कुछ हद तक ये कामयाब नहीं भी हुए। भारतीय जनता पार्टी का नाम एक्चुअली बेईमान झूठी पार्टी होना चाहिए था। जिस तरह से देश के अंदर एक के बाद एक इन्होंने सरकारें तोड़ने का काम किया, कभी महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ते हैं, वहां पर खोखे सरकार बनाते हैं, सारे विधायकों को उठा के पहले सूरत ले जाते हैं, फिर उसके बाद में गुवाहाटी ले जाते हैं, उसके बाद में एनसीपी के दो टुकड़े करते हैं, या फिर इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार हो या कर्नाटक की सरकार हो, मणिपुर की सरकार, गोवा की सरकार, ऐसे तमाम सारी चीजें, यानी इन्होंने पीएचडी एक महारत हासिल कर ली है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करनी है, किस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण वस्त्र हरण करना है, पब्लिक की जो मैंडेट है उसके विरुद्ध जाकर के ये अपना सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग या दुरुपयोग कर रहे हैं मात्र सत्ता में रहने के लिए। सत्ता की मलाई जो है, अब इतने राज्यों में सरकार होने के बाद भी इनसे सत्ता छोड़ी नहीं जाती है। चंडीगढ़ के अंदर एक छोटा सा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जहां पर मेयर के चुनाव के अंदर नंगा नाच हुआ, किस तरह से वो वोट कैंसिल हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट साफ़ साफ़ वो दुनिया ने देखा। देखिए, ये तो ये कह रहे हैं कि हमको जहां पर मौका दिखाई देगा कि यहां पर आप कमजोर पड़ रहे हैं या इनका इनको चांस मिल सकता है तो कह रहे हम तो प्रयास करेंगे, तो आपको देखना है कि हम अपना घर कैसे बचाते हैं। अब जो प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा एक्स पर कि ये अगर बीजेपी कर रही है तो इसका मतलब ये खरीद फरोख्त कर रही है, तो मैं तो आपसे सीधे पूछना चाहता हूं, क्या इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो 6 विधायक जिन्होंने कल बगावत किया, जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट कर दिया, वो बिक गए हैं क्या? आज विक्रमादित्य जो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं कैबिनेट में, उन्होंने कहा मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा लेकिन मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, वो बिक गए हैं क्या? सापरा जी, आवाज मिल रही है सापरा जी आपको? अरे वो हमारे साथ वेब लिंक से जुड़े हुए। सापरा साहब, आवाज मिली हो तो प्लीज बताइएगा मुझे। क्या पूछा, फिर से पूछिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि बीजेपी खरीद फरोख कर रही है, तो जो कल 6 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर रहे थे वो बिके हुए मान रहे हैं आप? आज विक्रमादित्य जो कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या वो बिक गए हैं? देखिए, विक्रमादित्य की जहां तक आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। उनकी विक्रमादित्य की मीटिंग हो गई है और उन्होंने उनको समझा लिया, उनका इस्तीफा जो है वो खारिज कर दिया गया है। जहां तक 6 विधायकों का सवाल है, मुझे ये बताए भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये 6 विधायक इतने ही ईमानदार है और उनकी गिरफ्त में नहीं है तो फिर वो 6 विधायक आज हाउस में क्यों नहीं आए? क्यों नहीं वो आज का जो मेन दिन था, जिस दिन उन्होंने बजट के समय में हाजिर रहना चाहिए था, उनको तो नहीं हटाया था स्पीकर ने, लेकिन वो 6 और 3 ये 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी लेकर के हाउस में क्यों नहीं आए? तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है। और अभी भी जिस तरह से सीआरपीएफ के घेरे में लेकर के उनको फिर पंचकुला होटल ललित में ले जाया गया है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर यहां पर लोकतंत्र का हनन करना चाहती है, वस्त्र हरण करना चाहती है।